पाठशाला में अब राहुल गांधी की मोहब्बत की उस दुकान का चैप्टर जिस पर पीएम मोदी ने ताला लगा दिया। क्या राहुल गांधी की दुकान में मोदी विरोध का बासी माल बिक रहा है? अमेरिका में राहुल कितना सच कितना झूठ बोले, अब इसका कंप्लीट चैप्टर। राहुल गांधी देश में तो नरेंद्र मोदी को हर दिन टारगेट करते हैं, लेकिन आजकल वो नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में, वहां पर राहुल गांधी जो कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि वो पीएम मोदी से मोहब्बत कम नफरत ज्यादा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को नाम दिया है नफरत के बाजार में मोहब्बत का। बातें पूरी नफरत ही कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए उनकी नफरत टप टप टपक रही है, लेकिन कार्यक्रम का नाम है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आइए जरा इसी दुकान का शटर खोलते हैं, क्योंकि आप भी देखिए कि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और भारत को बहुत सम्मान दे रही थी। मोदी ने इस यात्रा में पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत बहुत बदल गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक और नेता है राहुल गांधी जो अमेरिका जाकर यह संदेश दे रहे हैं कि भारत में हालात बहुत खराब है। यानी हमारे देश के दो बड़े नेता जो जब विदेश जाते हैं तो दुनिया के सामने अपने देश की जो छवि पेश करते हैं, अपनी अपनी जो बातें रखते हैं, उनमें बड़ा अंतर दिखता है। एक तरफ पीएम मोदी देश की मार्केटिंग करते हैं, विदेशों में बसे भारतीयों का सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पॉजिटिव बातें करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो सिर्फ पीएम मोदी और अपने देश को लेकर नेगेटिव बातें करते हैं। भाई नरेंद्र मोदी जाके कहते हैं बहुत शानदार हो गया, आप सब आइए इन्वेस्ट कीजिए, यहां अच्छा माहौल है, आइए घूमने आइए, तो समझ में आता है कि भाई इंडिया को टॉप पे ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी अमेरिका में जाके बता रहे हैं कि इंडिया खत्म हो रहा है, नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, उससे क्या होगा? अमेरिका बचाने आएगा क्या, या अमेरिका में बैठे लोग वोट देने आएंगे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए? उनका मकसद क्या है भाई? नरेंद्र मोदी का तो मकसद समझ में आता कि इंडिया चमचमाए, लोग इन्वेस्ट करें, लोग घूमने आए, इंडिया का कद बढ़े। आपका मकसद क्या है? अमेरिका में जाकर दुकान क्या लगा रहे हैं? कमाल की बात यह है कि ये दोनों नेता विदेश में जाकर ऐसे लोगों के बीच अपनी अपनी बातें करते हैं जिन्हें भारत में वोट नहीं देना है, या जो इतने दूर वोट डालने के आना हर किसी के लिए मुमकिन भी नहीं है, तो फिर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि बाहर जाकर इन लोगों के बीच ये मैसेज दिया जाए कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं। आप सोच का अंतर ही देखिए ना, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के नेता अपने देश में पीएम मोदी को बॉस बता रहे, जबकि राहुल गांधी को देख लीजिए अमेरिका में पीएम मोदी का वो मजाक बना रहे, कह रहे हैं कि मोदी तो भगवान को भी समझा सकते हैं। एक बार सुनिए राहुल गांधी की बात। नॉट टू बी अंडर द इंप्रेशन दैट यू नो एवरीथिंग, दैट द वर्ल्ड इज टू बिग टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी वन पर्सन टू थिंक दैट ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग एंड ही नोज एवरीथिंग। एंड सो रियली दैट इज द डिजीज दैट सैम सॉर्ट ऑफ आउटलाइंड, दैट इज द डिजीज that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, you know, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. राहुल गांधी को आपने सुन लिया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं जिसे देखकर आप ये अंतर साफ साफ देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तो भारत का किस तरह से सम्मान होता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम, वहां की कैबिनेट उनके सम्मान में आती है, पीएम मोदी को बॉस कहते हैं, पीएम पापुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहां का पीएम पैर छू लेता है। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका गए हैं तो उनकी सभा में खालिस्तानी समर्थक पहुंच गए। क्यों भाई? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो का संदेश देते हैं, लेकिन उनकी सभा में भारत को तोड़ने वाले खालिस्तानी समर्थक क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर कुछ लोगों के बीच भारत के पीएम का किस तरह अपमान किया वो दिखाता। इसे देखकर आपको यह पता चलेगा कि राहुल गांधी पीएम मोदी से किस हद तक नफरत करते हैं, जिसके लिए उन्हें 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका जाकर अपनी बात कहनी पड़ी। आई थिंक इफ यू सैट मोदी जी डाउन नेक्स्ट टू गॉड, मोदी जी वुड स्टार्ट explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So,
So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, you know, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, you know, speak to historians and explain history to them. They can explain, you know, warfare to the army, flying to the air force, whatever they want, they can, you know. And at the heart of it is mediocrity, that they actually don't understand anything. Rahul Gandhi ke hisab se PM Modi ko kuch nahi aata, kuch samajh mein nahi aata. नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट से बात करते हैं तो साइंस समझाने लगते हैं, जब मोदी इतिहासकारों से बात करते हैं तो उन्हें इतिहास समझाने लगते हैं। अरे बॉस, ये आपका ना नजरिया है, इतिहासकार से बात कर रहे हैं तो उससे फिल्म की बात करेंगे क्या? साइंटिस्ट से बात करेंगे और उससे कुछ बातचीत होगी तो क्या करेंगे? क्रिकेट की बात करेंगे क्या? जिससे बात होगी उससे उसी लहजे में बात होगी ना। नरेंद्र मोदी के काम करने का स्टाइल है कि वो हर उस व्यक्ति से बात करते हैं जिससे उस सेक्टर की हर लेवल की कमियों खूबियों के बारे में पता चले, तभी उसे डिपार्टमेंट के 100% रिजल्ट मिल पाते हैं। पिछले 9 साल में भारत का परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर हुआ है, पहले साइंस सेक्टर में सुनिए, जहां के बारे में आपको बता रहा हूं। कह देना आसान है कि भाई नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता। अरे भैया, जिस आदमी को कुछ नहीं आता है उसके राज में यह परफॉर्मेंस हो रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसकी जो रैंकिंग है, ये भारत की 2015 में थी 81 इनोवेशन में, 2022 में ये 40 आ गई है, मतलब बेहतर हो गई है, मतलब हम नंबर वन होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिस आदमी को आप बता रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आता है, उसके राज में ये इंडिया करके दिखा रहा है। एक है साइंटिफिक पब्लिकेशन रैंकिंग, SPR, साइंस से जुड़ी रिसर्च को लेकर होता है। 2010 में हमारी रैंक थी 7th रैंक थी, 2020 में हम 3rd रैंक पर आ गए। 3rd इनोवेटिव डिजाइन रजिस्टर, 2014 में 7178 डिजाइन रजिस्टर कराई थी भारत में, 2022 में डबल के पार 15262। इनोवेशन पेटेंट, 2014 में 4225 पेटेंट कराए थे भारत में, 2022 में 30073। तो जिस आदमी के लिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साइंटिस्ट से बात करते हैं तो उसको समझाने लगते हैं, बॉस वो समझते हैं कि ये आदमी क्या चाहता है, इसका विभाग क्या चाहता है, और फिर वो डिलीवर करके देते हैं, तब ये रिजल्ट आता है। राहुल गांधी की इस यात्रा को उनकी पार्टी की एक इंटरनेशनल विंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओवरसीज ने आयोजित करवाया, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने तय की थी। अब जब कांग्रेस ने ही इस कार्यक्रम को सेट किया तो जाहिर सी बात है इसमें बुलाए गए मेहमान भी कांग्रेस ने ही तय किए होंगे। लेकिन जब इस कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थक दिखाई दिए तो भारत में रहने वाले लोग चौंक गए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी की सभा में भारत तोड़ो वाली सोच के खालिस्तानी समर्थक किसके कहने पर आए? राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब सिख फॉर जस्टिस SGF से जुड़े कुछ लोगों ने खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर दी, खालिस्तान का झंडा दिखा दिया। इन लोगों का कहना है कि वो राहुल गांधी की हर सभा में जाएंगे और जब PM मोदी अमेरिका आएंगे तो वहां भी जाकर ऐसा ही करेंगे। इस शोर शराबे के बीच राहुल गांधी को कुछ समय के लिए अपना भाषण भी रोकना पड़ा, हालांकि इसके बाद इन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये हिस्सा भी देख लीजिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, भारत छोड़ो, कमाल है बॉस। आपने भारत जोड़ो के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की, लेकिन आज आपकी सभा में खालिस्तानी समर्थक कैसे पहुंच गए यह अपने आप में सवाल है। इनको एंट्री किसने दी, कहां से मिली? खालिस्तान को लेकर थोड़े दिन पहले पंजाब में इतना बवाल हो गया, वहां नेशनल सिक्योरिटी को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और ऐसे लोग आपकी सभा में मौजूद हैं। उनकी एंट्री किसने की, पता लगाइए और उन पर एक्शन लीजिए। राहुल जी, ये किस तरह का संदेश दे रहा है? राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सरकार पर भी आरोप लगाया कि भारत की सरकार भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहती थी, भारत जोड़ो यात्रा रोकने की पूरी कोशिश की नरेंद्र मोदी सरकार ने। केंद्र सरकार आपकी यात्रा रोकती तो क्या आप कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुंच पाते? इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का आरोप सुन लीजिए। सम मंथ्स अगो वी स्टार्टेड
a walk from Kanyakumari to Kashmir. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, were simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. And I noticed that the government tried everything. मतलब जो भी उनमें ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी, उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था। और जो यात्रा का इफेक्ट था वो बढ़ता जा रहा था। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा प्रयास किया उनकी यात्रा को रोकने का। आपकी भारत जोड़ो यात्रा के लिए सरकार ने पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया था राहुल गांधी जी। राहुल गांधी की इस यात्रा में दो लेयर की सुरक्षा चल रही थी, जेड प्लस के कमांडो साथ चल रहे थे, जेड प्लस के, जिसमें एनएसजी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान 24 घंटे राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। जिस जिस राज्य से राहुल गांधी की यात्रा निकली वहां की लोकल पुलिस सुबह से लेकर रात तक आपकी सुरक्षा में साथ रही। राहुल गांधी यात्रा में कितने राज्यों की पुलिस उनके सुरक्षा में थी यह आंकड़ा भी सुन लीजिए। देखने वाली बात यह है कि इसमें बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में थी। 136 दिन की यात्रा थी, 12 राज्य गुजरी, 75 जिले कवर किए, दो केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 5 बीजेपी की सरकार वाले राज्य थे। बिना उनकी मर्जी के आप वहां से गुजर गए, कश्मीर में बिना सिक्योरिटी मिले करे आए। यह यात्रा राहुल गांधी बिना सरकार की मदद के कर सकते थे क्या? दिल्ली कश्मीर में पुलिस बीजेपी के अंडर है, कश्मीर तो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, सब जगह इनको सुरक्षा मिल रही थी। और वहां अमेरिका में जाके बता रहे हैं कि भाई देखो वहां तो पुलिस से भी रुकवा रहे थे। कौन सी पुलिस रोक रही थी भाई, हमको भी दिखाइए। राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर भारत की बिगड़ती तस्वीर को लेकर अपनी बहुत चिंता जाहिर की, लेकिन उसी अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि इकोनॉमी के मामले में भारत बिग बॉस बनने जा रहा है। आपको अमेरिकी बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च के बारे में बताता हूं। यह 2013 वाला भारत नहीं रहा, अभी का भारत है 2013 से अलग। 10 साल के छोटे से अरसे में भारत ने दुनिया में अपना मजबूत स्थान बना लिया है। इस रिपोर्ट में पीएम मोदी के पद संभालने के बाद 2014 से हुए 10 बड़े बदलावों का जिक्र है, जिसमें टैक्स कलेक्शन के नियमों में बदलाव, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी के मूल ढांचे में बदलाव को भारत की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर 2031 तक 2021 की तुलना में दोगुना हो जाएगा। साल 2032 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 रुपए से बढ़कर 4,30,000 रुपए हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में महंगाई काबू में रहने की वजह से भारतीय बाजार काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो दुनिया कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है। आज ही एक रिपोर्ट यह भी आई कि भाई जीडीपी में इंडिया ने जो लोग सोच रहे थे उससे बेहतर परफॉर्म कर दिया। आप सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा कि उसके बावजूद ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी भारत की छवि क्या बना रहे हैं विदेश में जाकर और क्या सच है। आज ही भारत की जीडीपी के आंकड़े आए, भारत की विकास की रफ्तार उम्मीद से ज्यादा तेज रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आखिरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही, जबकि पूरे वित्तीय वर्ष में 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रही, जबकि आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान क्या लगाया था 6.8%। मतलब दुनिया सोच रही थी हम 6.8 रहेंगे, हम 7.2 पर हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने भारत को खत्म कर रखा है। यह भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध और दूसरी चुनौतियों की वजह से दुनिया भर की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बुरी हालत में हैं। आंकड़ों से समझिए जिस तरह से बात हो रही है कि भारत की विकास दर 7.2% रही, अमेरिका 2.1% पे भाई, जहां पर राहुल गांधी जाकर यह सब समझा रहे हैं। चीन 3% पे बैठा है, यूके 1%, फ्रांस 2.6%, जर्मनी 1.9% और भारत 7.2% पर। और ये समझा रहे हैं कि भैया जो है भारत को नरेंद्र मोदी ने डुबा दिया। वो भगवान वहां बैठ के क्या ही बोल रहा होगा आप खुद सोचिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो या जो आपके मन में आ रहा है वो।